समंदर में आपको ऐसे जीव मिलेंगे जो भले दिखने में खतरनाक ना हो, पर अगर आपका उनसे पाला पड़ जाए तो शायद आपकी मौत भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज हम खतरनाक जीवों के बारे में जो समुंदर की गहराई में रहते हैं और आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो बिना वक्त जाया करे जानते हैं इन डेंजरस क्रिएचर्स के बारे में। नंबर 10 पे है बैराकूडा। ये एक ऐसा शातिर क्रिएचर है जो आपको खतरनाक से खतरनाक इंजरी पहुंचा सकता है। इनकी हाइट जो है वो लगभग 7 फीट तक ग्रो होती है और ये वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट स्विमर में से एक है। ये शिकार करने से पहले बहुत ही पेशेंटली इंतजार करते हैं और इनके दांत इतने शार्प है कि ये इंसान के ब्लड वेसल चीर फाड़ कर सकते हैं। इनके बॉडी में एक ऐसा पॉइजन है जो अगर इंसान के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो इंसान की नज़र धुंधली हो सकती है और उसे वॉमिटिंग और डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। 9th नंबर पे है इलेक्ट्रिक ईल। ये एक ऐसी मछली है जो अपने बॉडी से लगभग 650 वोल्ट्स का करंट जनरेट कर सकती है और इसी शॉक के कारण जो इसके आसपास प्राणी होते हैं वो मर जाते हैं। ये 80 से 1600 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है और ये अगर एक बार शिकार करती है तो बहुत टाइम तक बिना खाए रह सकती है। इसके दांत और आँख बहुत ही बड़े होते हैं और ये बहुत ही डेंजरस मछलियों में से एक है। नंबर 8 पे है मोराइल्स। आपको समंदर में मोराइल्स के 200 से ज़्यादा स्पीशीज दिखाई देंगे, पर इनमें एक बात कॉमन है, ये दिखने में बहुत ही खतरनाक है। ये पानी में स्नेक की तरह मूव होती है और इनकी जो विजन है वो क्लियर नहीं होती। ये समंदर में खारे पानी में पाए जाते हैं और ये इंसानों के कॉन्टैक्ट में आने से बहुत ही डरते हैं। नंबर 7 पे है स्टोनफिश। जिनका नाम स्टोनफिश इसलिए है क्योंकि ये स्टोन की तरह दिखती है। ये अपने एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह घुल जाती है कि इनके शिकार को पता ही नहीं चलता। इनके दांत इतने जहरीले हैं कि अगर इंसान को लग जाए तो उनकी मौत भी हो सकती है और ये अपना शिकार का बहुत ही पेशेंटली वेट करती है और जैसे ही शिकार नज़दीक आता है ये उन पे कूद पड़ती है। नंबर 6 पे है सी स्नेक्स। अगर आप सोचते हो कि ऑर्डिनरी स्नेक्स बहुत ही खतरनाक है तो आप गलत हो, क्योंकि इनका जो जहर है वो बहुत ही खतरनाक है कंपेयर टू द नॉर्मल स्नेक्स जो आपको लैंड पे दिखते हैं। क्योंकि अगर ये इंसान को काट दे तो इंसान के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो स्विम करके डॉक्टर के पास चले जाए। जी हाँ, वो उधर ही मर जाता है। नंबर 5 पे है जेलीफिश। ये दिखने में भले बहुत ही खूबसूरत है पर ये उतनी ही डेंजरस है। इसमें से कुछ ऐसी स्पीशीज है जिसे आपको बच के रहना चाहिए। उसी में से एक है बॉक्स जेलीफिश। अगर मैं आपको पूछूं कि सी में सबसे डेंजरस क्रिएचर कौन है तो आप मुझे कहोगे शार्क, पर उससे भी खतरनाक है बॉक्स जेलीफिश। इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये पानी में ट्रांसपेरेंट होती है। नंबर 4 पे है हैमरहेड शार्क। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इनकी आंखें दोनों साइड पे फैली होती है और इनको एक पूरा नज़ारा मिल जाता है जिससे इन्हें शिकार करने में बहुत ही आसानी होती है। ये शार्क्स और शार्क से दिखने में बहुत ही यूनिक होते हैं और इनका सर जो है बहुत ही चपटा होता है। इनके सर पे कुछ ऐसे स्पेशल सेंसर्स हैं जिनसे ये पूरे सी में स्कैन कर सकते हैं अपने फूड के लिए। नंबर 3 पे है डार्ट फ्रॉग। इसे पॉइजनस फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इनके कलर्स बहुत ही ब्राइट होते हैं और ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। जितने ये खूबसूरत दिखते हैं उतने ही ये डेंजरस है, क्योंकि इनका विष इतना जहरीला है कि ये कोई भी इंसान को उधर ही ऑन द स्पॉट मार सकता है। नंबर 2 पे है एंगलर फिश। ये फिश के सर के ऊपर एक ऐसा रॉड है जिसे इलिसियम कहा जाता है, जिससे वो अपने शिकार को उसकी ओर आकर्षित करती है। ये रॉड की सीरे जगमगाने लगती है जिससे इसका शिकार आकर्षित हो जाता है और इसका प्रे बन जाता है। नंबर 1 पे है निडल फिश। ये फिश जो है वो दिखने में बहुत ही स्ट्रेंज और पतले होते हैं और कहा जाता है कि इनका जो अटैक है वो शार्क फिश से बहुत ही डेंजरस है। निडल फिश जो है वो 37 माइल्स पर आर के तेजी से पानी के बाहर कूदी मार सकती है। ये थे पानी के मोस्ट डेंजरस क्रिएचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अलविदा।